नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्म लेने वाले सचिन ने बहुत छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। कई लोगों का सपना केवल सपना बनकर ही रह जाता है। सचिन ने अपने बल्ले से ऐसी कहानी लिखी जिसे किसी के लिए भी भुला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। एक दौर ऐसा था जब सचिन केवल एक नाम नहीं लोगों के दिलों की धड़कन हुआ करते थे। सचिन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश में क्रिकेट को नए मुकाम पर पहुंचा दिया, या यूं कहें कि हिंदुस्तान को क्रिकेट से परिचित करवा दिया। कई खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत रहे सचिन का क्रिकेट का सफर बचपन से ही शुरू हो गया था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अंडर 17 हैरिस शील्ड में अपने स्कूल की तरफ से खेलते हुए शतक जड़ दिया था। 14 साल की उम्र में अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रन की रिकॉर्ड साझेदारी उन्होंने की। इसके बाद 15 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू किया और अगले ही साल उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। साल 1989 में सचिन ने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 17 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में अपना पहला टेस्ट शतक भी जड़ दिया था। सचिन भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के शतकवीर उस वक्त बन गए थे। सचिन अपने करियर के शुरुआती दौर में ही कमाल करके ठहर नहीं गए, उनका ये जादू आगे तक भी चलता रहा। साल 2000 में वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए थे। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने वर्ल्ड कप में 673 रन बनाए, जो कि एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद साल 2008 में सचिन ब्रायन लारा को पछाड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उम्र बढ़ने के साथ ही जैसे उनकी एनर्जी में भी बढ़ोतरी हो रही थी। 36 की उम्र में उन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ दिया था। सचिन मेंस क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। सचिन के नाम टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इकलौते क्रिकेट खिलाड़ी हैं। साल 2013 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मुंबई के वानखेड़े मैदान पर संन्यास का ऐलान कर दिया। उस वक्त सभी की आंखें नम हो गई थी। न्यूज रूम पोस्ट की तरफ से भी हम क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को उनके 49वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। Thank you.